ये जो यूजीसीएफ जो है, यूजीसीएफ जो आएगा उसमें कितने, मतलब कोर्सेस तो जो बन रहे हैं उसमें 50% 60% कोर्सेज जो है वो डिटेन हो रहे हैं, 40 से 50% कोर्सेज खत्म हो रहे हैं। ये मैं बार बार उन लोगों के सामने बोलती हूँ, बार बार वाइस चांसलर को बोलती हूँ, उस दिन भी मैंने बोला, ये जब कभी मैं मिलती हूँ तो बोलती हूँ। और जो इसको बनाए हुए थे मैंने, और क्योंकि उसमें एक क्लॉज है कि जब भी यूज मतलब वाइस चांसलर हैज बीन ऑथोराइज टू रिवाइज द हाँ पॉइंट्स, बेसिकली हमारा ये है कि आप चार चार क्रेडिट में आप कैसे पढ़ाओगे। अब चार अच्छा क्रेडिट पढ़ाने के कारण ही सारे के सारे हमारे सिलेबस खत्म हो रहे हैं। तो उसमें ये तो इसीलिए हमारा तो हमेशा एम्फेसिस रहता है कि हम बोलते हैं कि आप उसको रिवाइज करो, अभी नहीं तो कम से कम कुछ दिनों के बाद आप रिवाइज करो। और स्पेशली जब जब मुझे लगता है कि अगले मीटिंग में ये एसी और इसी में आना चाहिए जो बन रहा है, जिस तरह से सिलेबस जो बन रहा है, और वो सिलेबस जो आएगा तो उसमें फिर बहस होगी, उस पर और विस्तार से चर्चा होगी। हाँ जी, क्योंकि यह इसमें दो चीजें हो रही हैं। एक तो पेपर्स का कंटेंट डाइल्यूट हो रहा है, और उसके साथ बिल्कुल साथ ऑफ कोर्स वर्कलोड एकदम घट रहा है बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखिए आपके टाइम। ये जी जो इस पे तो हमने यूजीसीएफ पे तो बहुत सारी मीटिंग हो चुकी है, हमने तो जितना भी बोलना था सारे आयाम बोला, जो कैसे इंग्लिश का भी देखिए, वर्कलोड। मैं सीमा जी, आई अप्रिशिएट यू एंड रिचा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वर्कलोड घटना सुनिश्चित है, और यही बात देखिए एडी ने हमेशा आगाह किया, बताया, फोर वार्निंग किया, लेकिन टीचर्स ने हमारी बातों को नहीं मानी। कुछ लोगों ने स्वागत किया, कुछ लोग खामोश बैठे रहे। हम लोग कह रहे थे कि हेफा आएगा, आज आया कि नहीं आया? कोई कॉलेज अभी अनुदान मांग ले यूजीसी से, मिल जाएगा क्या? एक ही शब्द आएगा कि आप हेफा से लोन ले लीजिए। जब लोन लेंगे तो उसका रिपेमेंट भी होगा, किससे लेंगे रिपेमेंट? दरवाजा बंद कर दूसरी दो। बात, वर्कलोड में घटोतरी घटेगा। देखिए, जो फोर क्रेडिट की बात कर रहे हैं, सारी वर्कलोड घट रहा है आपका, जो स्वयं और मूक्स में जाएगा इसमें वर्कलोड घट रहा है। साइंस के प्रैक्टिकल्स का जो उसका ऊपर जो जितना क्रेडिट था उसको घटा दिया गया है, सब्सटेंशियली साइंस का वर्कलोड घटेगा, सारा चीज का साइंस वर्कलोड घटेगा। ऐसे परिस्थिति में जो वर्कलोड घटेगा, वैसे तो कहा जा रहा है कि किसी को कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हकीकत यही है। आपने भी कभी सीमा जी पूछा होगा इसी के पटल पर कि जो वर्कलोड घटेगा तो क्या स्थिति होगी? क्या उनको, आपको भी सर ऐसे मैंने ही? सर एक चीज, अच्छा आप बता दीजिए सर, मैं इसका आंसर नहीं, देती हूँ। मैंने ये मैंने आपसे ही पूछ रहा हूं। सर मैंने इसी में तो नहीं ज्यादा, लेकिन पिछले 3 4 इसी में सर मैं यूजीसीएफ पे ही, और किस तरह से एनईपी पूरा का पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑनर्स को डाइल्यूट खत्म करेगा, इसी पे मैं बोलती आई हूँ। मैं यहाँ पे बोलती हूँ आई वॉज द सोल वॉइस, हमारे साथ आसपास सर थे, बट हम आई वॉज द सोल वॉइस। पूरा का पूरा इसी का माहौल ये था कि सब लोग इसकी प्रशंसा किए जा रहे हैं कि क्या पता क्या आ जाएगा यहाँ पे, और आई वॉज द सोल वॉइस जो वहां पे एक एक चीज दे के बोल रहे हैं कि देखिए आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं, कैसे आप डाइल्यूट कर रहे हैं, आप किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम था ऑनर्स। एक तो सर मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगी, जब एनईपी में का जो सेल का मीटिंग हो रहा था तो सब लोग ऑनर्स को हटा रहे थे, आपको याद होगा तो पिछले साल सनेजा का मीटिंग में ऑनर्स को हटा रहे थे, उसमें हम ही लोगों ने, मैंने ही इंटरवीन किया कि ऑनर्स भी बच गया। अब उस ऑनर्स को ये जो डाइल्यूट करे सर, ये डाइल्यूट एक एक को हम, लेकिन बात ये है कि अभी सब लोग जब एनईपी को लगाने के जोड़ में है तो वो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, वो आंख बंद किए हुए हैं। अथॉरिटीज की क्या हम बात करें कि हमारे साथ देने के लिए भी कोई खड़ा नहीं वहां पे, और ये आंख बंद किए हुए हैं कि जब होगा, सारे के सारे सभी सब जो आपको सब
हेड बोलते हैं कि हम इतना, सर मैं तो किसी इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस का सिलेबस में मैं भी इन्वॉल्व रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि किस तरह से वहां का सिलेबस डिलीट हो रहा है, पूरा का पूरा सिलेबस ही खत्म हो रहा है, पूरा डाइल्यूट कर रहे हैं। जिस ऑनर्स क्लास को के कोर्स को पढ़ने के लिए देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग आते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कुछ कहीं इस तरह का ऑनर्स कोर्स कहीं था ही नहीं, आज से नहीं, आज से 40-50 साल पहले से भी आते थे और अभी भी आ रहे थे। तो उस कोर्स को आपने मल्टी डिसिप्लिनरिटी के चक्कर में, स्किल डेवलपमेंट के चक्कर में उस कोर्स का सत्यानाश कर दिया। ये शताब्दी ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो है ना UGCF, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है इस तरह से, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एकेडमिक रिगर को ही इन्होंने डाइल्यूट कर दिया। ये हम सर हम थक चुके हैं इसको उठाते उठाते। इस बार एजेंडा में 3-4 चीज थे, और कॉलेज ऑफ आर्ट्स और एब्जॉर्प्शन जो था हमारा मेन फोकस था, तो उस पे हमने उसको वो फोकस है चार। और फिर अब ऑनर्स ये जो जो सिलेबस आएगा उसमें फिर ये बात उठेगी और वो सेंटर स्टेज पे आके आएगा, तो उसमें फिर हम लगेंगे। सर ये, थैंक यू और वेरी मच। एक मिनट सर, नॉट ओनली ईसी, लेकिन हम जब कभी किसी भी ऑफिशियल से मिलते हैं या वो एनईपी सेल के जो मेंबर जो इसको कोर्स UGCF को डिजाइन किया है उससे मिलते हैं, तो उनको यही बोलते हैं, देखिए सब लोग जानते हैं मानते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन कटिबद्ध है ऊपर से गवर्नमेंट की पॉलिसी को बनाने के लिए, मतलब इन दिल्ली।